हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में पर्यावरण पारिस्थितिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए जानकारियों पर डिस्कशन करेंगे। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, ब्लैक कार्बन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको ब्लैक कार्बन के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, ब्लैक कार्बन गैस और डीजल इंजनों, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों और अन्य स्रोतों से उत्सर्जित कालिखदार काला पदार्थ है जो जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं। फ्रेंड्स, ब्लैक कार्बन एक ऐसा प्रदूषक है जो वातावरण में उत्सर्जित होने के बाद वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने का कार्य करता है। इसकी दो इकाइयां हैं, PM2.5 और PM10, जो मुख्य रूप से सूर्य की गर्मी को सोख लेते हैं और वातावरण को गर्म करने का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से ऐसा कोई भी संयंत्र जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करता है या फिर ऊर्जा उत्पन्न करता है, उनसे ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन होता है। चाहे वो गैस या डीजल इंजन हो या फिर कोयले आधारित संयंत्र हो जो बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जा रहे हो, इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों से ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन होता है। आप बस यही याद रखेंगे कि कोई भी ऐसा संयंत्र जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करेगा तो उससे ब्लैक कार्बन उत्सर्जित होगा। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है, ब्लैक कार्बन में 100 से अधिक वर्षों का वायुमंडलीय जीवन काल है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैक कार्बन एक बार वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाने के बाद ये एक दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक वातावरण में बना रहता है, न कि 100 से अधिक वर्षों तक। 100 से अधिक वर्षों तक वायुमंडल में बने रहने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, न कि ब्लैक कार्बन की। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन क्या कहता है, आर्कटिक में ब्लैक कार्बन जमा होने से सूर्य की गर्म किरणों को प्रतिबिंबित करने की पृथ्वी की क्षमता बढ़ जाती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब आर्कटिक में ब्लैक कार्बन जम जाता है तो इससे अधिक मात्रा में सूर्य की गर्मी सोखी जाती है। और आप इस बात को जानते हैं कि जो बर्फ होता है वो अधिक से अधिक सूर्य की गर्मी को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है और वापस उसे भेज देता है। लेकिन आर्कटिक क्षेत्र में यदि ब्लैक कार्बन वहां स्थित ग्लेशियर में जम जाए तो इससे सूर्य की गर्मी को वो ज्यादा सोखेंगे। यदि वो ज्यादा सोखेंगे तो वो गर्म होंगे, यदि गर्म होंगे तो ग्लेशियर पिघलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि आर्कटिक के क्षेत्र में ब्लैक कार्बन जम जाएगा तो इसकी वजह से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो तीसरा कथन भी गलत है। सही पूछा गया है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला ही केवल सही है और बाकी दोनों कथन गलत हैं। तो आई होप आपने ब्लैक कार्बन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उसे जान लिया। इसके बारे में यदि हम बात करें कि यह कितना घातक है फ्रेंड्स, तो ये वैसे व्यक्ति जो सांस से संबंधित बीमारियों को झेल रहे हैं या फिर जिन लोगों को सांस से संबंधित कोई भी बीमारी हो गई है, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा घातक हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि हृदय रोग, कैंसर, यहाँ तक कि जन्मजात दोष भी ब्लैक कार्बन की वजह से हो सकता है। ये जलवायु परिवर्तन में तो सहयोग करता ही है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी कि CBD के नैरोबी सम्मेलन में आईची जैव विविधता लक्ष्यों को अपनाया गया था। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि CBD के अंतर्गत COP10 में जो कि नगोया जापान में आयोजित की गई थी, उस समय जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जाए इसके लिए 20 आईची लक्ष्यों को अपनाया गया था। पहला कथन गलत है, क्योंकि यहां कहा गया है कि यह नैरोबी सम्मेलन में अपनाया गया था। दूसरा कथन क्या कहता है, IUCN प्रजाति कार्यक्रम आईची
जैव विविधता लक्ष्य के क्रियान्वयन पर पार्टियों, अन्य सरकारों और भागीदारों को सलाह प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। IUCN हालांकि एक अलग संस्थान है, लेकिन विश्व की बहुत सारी सरकारों, विश्व के ऐसे इकाइयां या फिर संगठन या फिर पार्टियां उन सभी संस्थानों को, उन सभी इकाइयों को जैव विविधता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो आईची लक्ष्य घोषित किए गए हैं उनके दिशा में किस प्रकार से कार्य किया जाए इसके लिए दिशा निर्देश देना, मदद करना, ये कार्य IUCN के माध्यम से किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला कथन गलत है। क्यों गलत था हमने इसे देख लिया है। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 21वीं शताब्दी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क यानी कि REN21 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है REN21 एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संघ है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पर आधारित है। फ्रेंड्स, 21वीं शताब्दी के लिए जो नवीकरणीय ऊर्जा नेटवर्क स्थापित किया गया है, अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसे REN21 भी कहा जाता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संघ है और ये पेरिस आधारित एक संस्थान है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पर आधारित नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम पर आधारित है। ये पहला कथन इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि यहां कहा गया है कि REN21 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर आधारित है, इसलिए ये गलत हो रहा है। दूसरा कथन क्या कहता है, इसका लक्ष्य अक्षय ऊर्जा के लिए तीव्र वैश्विक संक्रमण के प्रति ज्ञान विनिमय, नीति विकास और संयुक्त कार्रवाई को सुविधाजनक बनाना है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। आप इस कथन में ऐसा कोई भी नकारात्मक बात नहीं देख रहे हैं। UPSC जो प्रश्न पूछती है पर्यावरण से संबंधित, एक तो फैक्ट पर आधारित होता है और दूसरा कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है जो सामान्यतः सही होते हैं। अगर आपको इस प्रकार का कोई भी सकारात्मक प्रश्न मिले तो आप उसे हमेशा सही करें, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा है वही स्टेटमेंट हूबहू आपको UPSC के पेपर में देखने के लिए मिले। इसलिए आप इन सब बातों को ध्यान रखें, ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स REN21 के अंतर्गत, तो यहां एक विशेष प्रकार का कार्य किया जाता है कि यदि कोई देश है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किस प्रकार बेहतर नीतियों को लागू किया जाए, कौन से तकनीक अपनाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त की जाए, यदि किसी देश ने वैसा अन्वेषण किया है तो उसको दूसरे देशों के साथ साझा करने के लिए ये प्रोत्साहित करता है। तो आप याद रखेंगे, इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान का विनिमय करना है। दूसरा, यह नीति विकास करने में भी लगभग जितने देश हैं उन लोगों को मदद करता है। सभी देश मिलकर किस प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है उस दिशा को सुविधाजनक बनाने के क्षेत्र में यह मुख्य रूप से कार्य करता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि आपको सही पूछा गया था, पहला कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर आधारित नहीं है, यह यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम पर आधारित है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मंच है जिसमें बहुत सारी सरकारों, गैर सरकारी संगठनों मतलब NGO, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उद्योग से संबंधित संस्थान, बहुत सारे ऐसे संस्थान मिलकर एक मंच पर आते हैं, बात विचार करते हैं, तकनीकों का को साझा करने का भी कार्य करते हैं। तो आप इसे ध्यान रखें, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र सेवा माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवा कहने का मतलब है ऐसी कोई भी गतिविधि जो पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, यदि जैव विविधता
है तो उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन को कैसे कम किया जाए या तो रोका जाए, उस दिशा में कोई भी कार्य किया जा रहा हो तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र सेवा कहा जाएगा। अब आपको यहां पर क्या दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र सेवा के अंतर्गत उसे पहचानना है। पहला कहता है फसलों का परागण। बिल्कुल ये सही है, यदि फसलों का परागण होगा चाहे वो भौतिक कारणों से हो या फिर जैविक कारणों से हो, उसके माध्यम से जैव विविधता का विस्तार होगा, और यदि जैव विविधता का विस्तार होगा तो आप उसे पारिस्थितिकी तंत्र सेवा कहेंगे। अगला कहता है मृदा अपरदन को रोकना। ये पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि मृदा अपरदन लगातार होता रहेगा तो इससे मिट्टी का ऊपरी लेयर समाप्त हो जाएगी, और मिट्टी के ऊपरी लेयर के समाप्त हो जाने से ह्यूमस समाप्त हो जाएंगे, वहां पर जैव विविधता को स्थापित करने में समस्या होगी। तो आप कह सकते हैं कि मृदा के अपरदन को रोका जाता है तो ये पारिस्थितिकी तंत्र सेवा होगा, चाहे वो मानवीय कारक से हो या फिर प्राकृतिक कारक से हो। जल शुद्धिकरण में जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे बड़े हिस्सेदार होते हैं। मानव कितना जल को शुद्ध कर लेगा, ज्यादातर जल को शुद्ध तो वन करते हैं या तो मिट्टी करता है। यदि पर्यावरण के माध्यम से जल का शुद्धिकरण हो रहा है तो इसे भी पारिस्थितिकी तंत्र सेवा के अंतर्गत माना जाएगा। कचरे का अपघटन, जो कवक होते हैं या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी इकाइयां होती हैं, उनको अपघटित करने का कार्य करती हैं। इससे पर्यावरण स्वच्छ बना रहता है, निश्चित रूप से इन्हें पर्यावरण सेवा के अंतर्गत माना जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र सेवा के अंतर्गत माना जाएगा। अगला कहता है जलवायु नियमन। ये बिल्कुल सही है, जलवायु परिवर्तन जो है वो एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन मानवीय गतिविधियों की वजह से जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है। समस्या इसकी वजह से है, जलवायु परिवर्तन पहले भी हुए हैं लेकिन दिक्कत यह है कि मानवीय गतिविधियों की वजह से ये ज्यादा तीव्र हो गया है। यदि इन तीव्रता को किसी भी वजह से रोका जाता है, कम किया जाता है, तो उसे जलवायु नियमन कहा जाएगा, और यदि ऐसा किया जाता है तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र सेवा के अंतर्गत माना जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान में रखें, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवा जिसकी वजह से मानव को नुकसान ना हो, जिसकी वजह से जीव जंतुओं को नुकसान ना हो, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान ना हो, चाहे वो बीमारियों के फैलाने के मामले में हो, चाहे किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में हो, तो इसे आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। एक एक करके देखते हैं। पहला कथन क्या कहता है, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र और मौसमी आधार पर भिन्न होते हैं। ये बिल्कुल सही है, आपने अलग अलग मिट्टियों के बारे में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मिट्टी होते हैं जहां पर नाइट्रोजन होती भी है, कहीं कहीं पर नहीं होती। पिट मिट्टी के अलावा ज्यादातर ऐसे मिट्टी होती है जहां पर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। फास्फोरस के मामले में भी ऐसा ही है, हालांकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है, लेकिन फास्फोरस ज्यादातर मामलों में उपलब्ध नहीं होता है। जैसे लैटेराइट मृदा जो होती है या फिर लाल मृदा जो होती है, वहां पर फास्फोरस इत्यादि कम पाए जाते हैं। कैल्शियम के मामले में भी ऐसा ही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर और मौसमी आधार पर भी इन पोषक तत्वों की विस्तारित या फिर उनका प्रेजेंस अलग अलग हो सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है, जैव रासायनिक चक्र हमेशा प्रकृति में गैसीय होता है। जी नहीं, जैव रासायनिक चक्र का मतलब होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न विभिन्न घटकों के बीच पोषक तत्वों का आवाजाही या तो आवागमन, लेन देन, इसे हम क्या कहेंगे, जैव रासायनिक चक्र कहेंगे। जैव रासायनिक चक्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो गैसियस और दूसरा होता है सेडिमेंटरी। गैसियस मतलब गैस का वायवीय होता है और दूसरा तलछटीय होता है। तो आप कह सकते हैं कि
दूसरा कथन गलत है क्योंकि यहां बताया गया है कि केवल गैसीय होता है, यह तलछट वाला भी होता है यानी कि सेडिमेंटरी भी होता है। तीसरा कथन क्या कहता है, पहला सही है दूसरा गलत है। तीसरा क्या कहता है, मृदा मतलब मिट्टी, नमी, पीएच और तापमान जैसे पर्यावरणीय कारक वातावरण में पोषक तत्वों की रिहाई के दर को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही है, यदि मिट्टी किसी पारिस्थितिकी तंत्र का सुलभ है, ह्यूमस आधारित है, तो उसके माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या होगी, बढ़ेगी। यदि नमी है, पर्याप्त नमी है, तो उसकी वजह से भी वहां पर पोषक तत्वों के रिलीज की प्रवृत्ति बढ़ेगी क्योंकि वहां पर कवक होंगे, बैक्टीरिया होंगे, ह्यूमस को बदलने की प्रवृत्ति तेज हो जाएगी और जैसे ही ऐसी होती है वहां पर पारिस्थितिकी तंत्र बढ़ेगा, विस्तार करेगा। पीएच के मामले में भी ऐसा है, ज्यादा पीएच हो गया तब भी दिक्कत है, कम पीएच हो गया तब भी दिक्कत है। तो यदि पीएच बना रहता है, मेंटेन अवस्था में रहता है, तो उससे पोषक तत्वों के रिलीज होने की गतिविधि बढ़ती और घटती रहती है। तापमान के मामले में भी ऐसी है, जो रेगिस्तान भारत का राजस्थान इलाका है, रेगिस्तान का क्षेत्र है, वहां पर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं लेकिन वहां पर तापमान ज्यादा है, नमी कम है और यही वजह है कि वहां पर जैव विविधता बिल्कुल कम पाई जाती है। तो जैव वहां पर तापमान की वजह से पोषक तत्व होने के बावजूद रिलीज होने की प्रवृत्ति बदल जाती है। यदि रेगिस्तान के क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता उपलब्ध करा दी जाए, वहां पर नमी हो जाए, तो वो एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर सकता है जो बहुत ज्यादा जैव विविधता क्षेत्र के रूप में माना जाएगा। तो हमारे इस कथन के इस क्वेश्चन के हिसाब से पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।